जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। फाइल में तो कुछ नहीं दिख रहा है। बस इतना पता चल रहा है कि धीरे धीरे कैसे सूरज ने इस कंपनी का दिवाला निकाला। और हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अशोक ने किए किसी रैंडम सी कंपनी में, जो इन माय ओपिनियन कोई फर्जी कंपनी है। एक काम करो, ये जो फर्जी कंपनी है इसका नाम देखो, तुम तो अपने सारे कॉन्टेक्ट से फोन करो, देखो कि ये कंपनी किसकी है, कहाँ है, सब कुछ सारी डिटेल्स निकालो इसके बारे में, ठीक है? भाभी, I think you're right. What? ये कंपनी परम खुराना के नाम पर ही है। बस पैसे इन्वेस्ट करने का तरीका हवाला है। That's it. Hence proved. मतलब अशोक की कंपनी से पैसा उसने हवाला के थ्रू निकलवाया और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मतलब ये तो सरासर फ्रॉड हुआ। रिकॉर्ड से तो यही पता चल रहा है। और अगर इस घोटाले के बारे में किसी को भी पता लगता है तो कंपनी फंड्स एम्बेजलमेंट के नाम पे उसे लंबा जेल जाना पड़ सकता है। The way I see it, yes, भाभी. Right? Huh? भाभी, you are amazing. चुप रहे। ऐसे कैसे कर लेते हो? एक मिनट रुको रुको रुको, अभी अमेजिंग दिखूंगी मैं। मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। इशिता जी, आइए आइए। कमाल है, आप अपने पैरों पे चढ़कर हमारे लिए पैसे लेकर आई हैं। ये हुई ना पैसों वाली बात। हो गया, चलो साइन करो। ठीक है, चलिए एक काम कर लेते हैं। एक हाथ से लेते हैं और एक हाथ से लेते हैं। डन। एक हाथ तुम साइन करो, दूसरे हाथ से ब्रीफकेस ले लो। वी आर सॉर्टेड। नहीं, साइन हो गया अभी तो। बड़ा वजन है। कमाल है, चलो देखते हैं जरा पैसे 60 लाख रुपए लगते हैं कैसे। ठीक है, ये रद्दी फाइल वाइल ये सब किसके? पैसे कहाँ है? पैसे तो काफी सारे ऐंठे थे ना तुमने अशोक खन्ना से, उसी वाले फ्रॉड के पेपर्स की कॉपी है और यही कॉपीज तुम्हें जेल तक पहुंचाएंगी। तो ये मुझे धोखा दिया जा रहा है। मैं तुम्हें हाँ जी, औरत पर तो नामर्द हाथ उठाते हैं। कंट्रोल कर ले वरना यहां सबके सामने पीटूंगा। चल, तू तो गया कम से कम 5 सालों के लिए अंदर। हवलदार, ले जाओ इस शरीर से इंसान को। देख लूंगा मैं। अरे देखता रहियो, चल। वैसे इस बार सही बंदे को पकड़वा दिया आपने। हमारी जिम्मी आजाद हो गई। आए, मैं मर जाऊं, अपने पैरों पे चल के आई है। शुक्र है, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। आजा 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 आजा। गुड गुड, वेरी गुड। पता है बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद अपने पांव पे चल के घर आई हूँ मैं। ओ जाहिर ही गाले, इतने दिनों बाद तेरे पैर का हेलमेट उतरा है।
चंगा तो लगना ही है। बस डॉक्टर ने मुझे कहा है कि कुछ दिन जूते पहनो सब थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, चलते बनेगा। पहन पहन। बाकी सारा कुछ ठीक हो गया ना? मम्मी जी सिर्फ पैर ही नहीं, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ठीक हुआ है। ये दस परम ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया। हाय मैं मर जाऊँगा। मैं सबके जाऊँगा पुत्र। माता रानी तेरे को खुश रखे, तेरा भला करे। हमारी सिमी आजाद हो गई फाइनली। इशिता तूने फिर एक बार दस दिता कि तू हमारी अपनी है, तू इस घर की बहू नहीं पुत्र, तू इस घर की बेटी है। माता रानी तेरे को खुश रखे। सिमी ओ भला जी अभी आओ देखो। अरे इशिता आ गई, देख तेरे लिए की लेके आई है। की होया तुसी की दिखा रहे हो? देखो की लेके आई है इशिता। अरे इशिता पुत्र तेरा पैर ठीक हो गया? और पैर भी ठीक हो गया। देख और बड़ी खुशखबरी है। की? हमारी सिम्मी को ना आजाद कर दिया परम ने, तलाक के पेपरों पे साइन कर दिया है। सिम्मी ए रो क्यों रही है? मैं जानती हूँ ये जिंदगी के लिए बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा नासूर हो जाए तो उसे काट के फेंकने में ही भलाई है ना। ये बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा है, अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो और कोई बुरा साया तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा कभी भी। That's good ना? तुमने बहुत कुछ किया ना मेरे लिए, ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? तो डायमंड रिंग दे देना। पागल। अगर रमन करते तेरे लिए तो तू उनसे भी ये कहती। सच में थैंक यू सो मच। बट लो जी आ गए हम मुफ्त की पार्टी खाने। खिलाओ। कांग्रेचुलेशंस सिंधी। पार्टी चाहिए पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी तो बनती है यार। चलो भाई सब लोग तैयार हो जाओ पार्टी के लिए। लेकिन रमन के बिना पार्टी वगैरह अभी। भाई के बिना इतना जरूरी है क्या? चलो हाँ जी, मैं बस अभी दिल्ली में लैंड किया। नहीं नहीं घर पे किसी को पता नहीं, उनको मैंने बोला है कि मैं कल आने वाला, बस एक छोटा सा सरप्राइज। ठीक मिलते हैं हंसी से। सरप्राइज के बाद तो मद्रास में बोलना ही पड़ेगा। जल्दी रहो भाई। कहाँ रह गए ये लोग भी यार? हाँ यार मम्मी छेती करो यार, कितने रह गए तुसी लोग? कितना तैयार हो? चलो 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 चलो। मद्रास ने समझी जी कितने समझन सारे तैयार होके आ गए, उसका सोलह सिंगार खत्म ही नहीं होता। वो आ रही है, थोड़ा लॉक वॉक देख रही है ना, आ जाएगी। शी इज कमिंग। बाहर जा रहे हैं? क्यों मद्रास सरकार है गई? क्या हुआ, हम लोग निकल क्यों नहीं रहे? बस पुत्र तेरी मम्मी आ जाए। तेरी माँ का नहीं पता यार, बिना व्हीलचेयर के मजा आएगा। मद्रास में पर्स लेने आएगी, उसको मैं सरप्राइज करूंगा। आना चाहे बस। चला क्या हो गया? हो गया कुछ नहीं बदला, मद्रास अभी भी पागल है सारे। रामना रामना वो गर्ल सुन यार, वो तो नीलू को फोन कर देना, वो ले आएगी, तो अपने पैर से जोर ना पा। हेलो हाँ बोलो, कहाँ पे? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो ना। अरे नीलू मेरे रूम में पर्स रखा है, मेरा पर्स मेरे रूम में। किसके कमरे में?
मेरे रूम में कबर्ड के अंदर पर्स रखा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। ये कैसी आवाज? बैग यहाँ रखूंगा तो मदरसा देख लेगी कहाँ छुप। अरे भाभी मीना, अलमारी को लॉक ही नहीं किया। मैं लॉक कर देती हूँ, नहीं तो बाद में हमें डांटेंगे। हाँ भाभी, आपका पर्स ले लिया मैंने और अलमारी की चाबी भी। मैं आ रही हूँ। नीलू, अरे नीलू, अरे मैं हूँ कबर में। नीलू क्या कब यार, नीलू अरे मैं हूँ खो, नीलू अरे मदरा संघ के चक्कर में मैं कबर में अटक गया यार। थैंक यू नीलू। तुमको रमन का फोन आया? नीलू तुमको आया रमन का फोन? आंटी जी मुझे क्यों भैया का फोन आएगा? हम आपको बताया था ना कल आ रहे हैं वो। मीर का मैसेज भी आ गया, वो लोग पहुंच चुके हैं। चलो जल्दी चले। चलो चलो चलो। अच्छा नीलू चंगी तरह घर लॉक कर दिया ना? हाँ मम्मी जी। अच्छा सुन, तुझे जाना भी था ना तेरी चाची से मिलने। हाँ ऐसा कर, तू भी चली जा। ठीक है चल चलिए आइए बैठते हैं। चलो मधु आओ, चलो आओ। माँ कोई खोलो यार, अरे कोई है? नीलू कोई खोलो यार, अरे कोई है? मैंने फंस गया यार तू। अरे खोलो यार। वाव, इश्मा पापा की फेवरेट डिश पालक पनीर। भाई मुझे तो लगता है कि भाई को यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि भाई के बिना तो इशिता के गले से खाना ही नहीं उतरेगा। क्यों इशिता? अरे खोलो यार। अच्छा इशिता गल सुन, तूने रमन को बता दिया कि तेरा प्लास्टर उतर गया? अभी नहीं। ओ यार तेरा भी जवाब नहीं, चल फिर कल ते सरप्राइज ही सरप्राइज होंगी। वैसे भाई भी कुछ कम नहीं है, हमेशा बढ़िया सरप्राइज प्लान करते हैं। भाभी आपको क्या लगता है इस बार क्या सरप्राइज होगा? जो भी करेगा बिग सरप्राइज है। अच्छा तेनू कैसे पता? अयो तुम्हारा बेटा है, तुमको मालूम नहीं है? रमन जो भी करेगा अच्छा बड़ा करेगा। थिंक नो संतोषी। ओ रहने मेनू ना सिखा, बड़ी आई। दादी मेजोरिटी विंस, आप भी जानते हो कौन जीतने वाला है। इतना मेजोरिटी? कुछ नहीं, वो दादी मेरी सीक्रेट है। हर वाइल नहीं रखो अपना सीक्रेट, मेरे पास भी एक सीक्रेट है। इतना बता दिया तो सीक्रेट भी बता दो ना। नॉट फेयर, कम ऑन। सीक्रेट है? सीक्रेट कैसे बताती?
तो बता दे नहीं तो तेरे पेट में दर्द हो जाना है। सही ना अम्मा? प्लीज सीक्रेट बोलो ना। मैंने प्रॉमिस किया है। किसको? मधु तुम मुझे भी नहीं बताओगे सीक्रेट क्या है? की कर दिए यार, ऐसे गलत गल है ना। अभी जल्दी जल्दी खाना फिनिश करो, घर जाके डेसर्ट खाना है, मेरे हाथ के लड्डू। तुम्हारे हाथ के लड्डू मानते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। नहीं बच्चों को खाना तो खाने दो, और फिर सब लोग यहाँ बैठे हैं, घर जाने की जल्दी क्या है? क्यों इधर अच्छा नहीं लग रहा है? कितना गर्मी आए, ये से भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इशिता तू यार अपनी माँ को ना डॉक्टर के पास ले जा, बीमार हो गई है बेचारी। आई एम फाइन ओके। मैं तो बस वो रमन के बारे में सोच रही थी कि रमन जब आएगा कल तो कितना अच्छा होगा। मेरी भी मत मारी गई थी, मैंने अम्मा को मना कर दिया, सच तो बोली थी होता। खाना खा रहे अम्मा, यहाँ करवा चौथ पकड़ा, क्या खानदान है यार, जन्म जन्म के भूखे वापस ही नहीं आ रहे। अरे कोई है खोलेगा कोई यार, कुछ है क्या इस कबर्ड में खोलने लगे तो है। इसकी जबड़े छुपा रखे कबर्ड में मदद से। घर में चोर बन गया, यार। अरे कोई खोलो यार, खाना खा रहे गए कि तीरथ पे गए, फोन की बैटरी भी डाल। अरे कोई आ जाओ यार, मां कसम आज के बाद मदरसे में मर भी जाएगी तो उसको सरप्राइज दूंगा। कोई अरे सिम्बी, हाँ ये फ्रिज में रख दे, सवेरे बच्चों ने कहना है रात वाला खाना दे दो। माँ, सिम्बी, चलो ना चलते हैं, हाँ पापा चलते हाँ। ओके, और निमिता किसको ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रही है? किधर किसको ढूंढ रही है? अल्लाह जी, हम लोग चलते हैं जी। गुड नाइट, गुड नाइट। मुझे लगता है आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे हाथ का कॉफी पी के। माँ, are you sure? इतने रात को कॉफी? What are you doing? You have to go. No, no, what is she doing? मधु चलो ना। इश्मा पापा कब आएंगे? I miss him. Me too. ओए, इतना याद मत कर भाई को, उसको हिचकियाँ चलने लगेंगी। और वैसे भी ये इतना याद करती है ना, मुझे तो लगता है कि भाई का प्लेन ना एक दिन पहले ही लैंड कर जाएगा। इशिता! Coffee is ready. Hot, hot coffee. मामा, आप लोग कॉफी एंजॉय कीजिए, हम लोग निकलते हैं, बहुत देर हो गई। हाँ हम भी निकलते हैं, परिमा चलो ना, लेट हो गया। नहीं नहीं, मीका चलो। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। अयो, रमन ने बोला था वो कमरे में छुपा है, ऐसे भी ईश को उधर भेजना होगा। कैपड़े ले ले, नो कॉफी फॉर ईश। हाय, रखो। व्हाट अ मॉम, अपने रूम में जाओ और रमन को फोन करो, करना हा? अभी वो ट्रांसिट में पहुंचा होगा, उसको पूछो क्या खाना है, कैसा है हाल, कैसा है। बहुत बहुत सीखम क्या सर होते हैं अम्मा, मैं यहीं से फोन लगाती हूँ ना। ले ले, अरे ऑन नोवेंडा ना माँ, व्हाट ऐसे क्या देखते हैं? मेरी बेटी को उसके हस्बैंड के साथ अकेले में बात करना है, हम सब सुनेंगे क्या? ची ची। वैसे आंटी, आजकल भाई जो इशिता से बातें करता है ना, वो इशिता सबके सामने नहीं बोल सकता। रुकना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ अंदर, भगाना था तो आप लोग डायरेक्टली बोल देते। रूम में जाके बात करो। ठीक है, तू आराम कर, जाके कल जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओके, बाय पीपल, बाय। कितना परेशान करते हैं सब मुझे, लेकिन हाँ शायद मैं सच में रमन को बहुत मिस करने लगी हूँ। रमन, इशिता,
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।